अब आपके फायदे की एक और खबर। भारी डिस्काउंट के नाम पर ई कॉमर्स कंपनियां अब उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगी। दरअसल कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने जा रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि कंपनियां बिक्री के दौरान उत्पादों का मैक्सिमम रिटेल प्राइस बढ़ा देती थी, बाद में उस पर डिस्काउंट देती थी। उपभोक्ता को लगता था कि उसे सामान काफी सस्ती कीमत पर मिला है, जबकि बाजार में उसका एमआरपी काफी कम होता था। ई कॉमर्स कंपनियों की दलील थी कि सेलर्स उसके प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में उन्हें पुख्ता करना होगा कि उत्पाद का एमआरपी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया हो, और विभाग इस पर अगले हफ्ते गाइडलाइंस भी जारी करेगा। बात करते हैं जीएसटी की। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर से कहा है कि सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर सवाल उठाए थे। अमित मित्रा का कहना था कि जीएसटी को लेकर सभी तैयारियां पूरी नहीं है और इसे 1 जुलाई से लागू करना संभव नहीं होगा। उन्होंने जीएसटी नियमों में भी बदलाव की मांग की थी। उनका कहना था कि एसएमईज इसके लिए अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं। अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब तक काउंसिल के सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 3 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्य अड़ंगा तो नहीं डालेंगे। हालांकि अरुण जेटली ने कहा कि सरकार जीएसटी के लिए पूरी तरह से तैयार है। जीएसटी डिसीजंस आर ऑल टेकन बाय कंसेंसस and so far we have succeeded in maintaining that consensus. I can only share with you that at the Srinagar meeting of the GST council, ministers from almost every state who spoke to me were absolutely clear about maintaining the 1st July date, and we are in a state of preparedness for the 1st of July. अम्यूजमेंट पार्क्स 1 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। दरअसल जीएसटी में 28% के टैक्स दायरे में रखे जाने से अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री परेशान है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अशोक गोयल का कहना है कि 28% की दर इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है 28% के, तो कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं ओवरऑल अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री के ऊपर इसका? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्वालिफाई कर दूँ कि मुझे लगता है कि केवल बंचिंग का इशू है, ये इंटेंशनल नहीं किया गया है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, शायद लोगों ने सोचा होगा कि इनपुट क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अम्यूजमेंट इंडस्ट्री चूंकि कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं करती है, इसलिए इनपुट क्रेडिट भी केवल 2 से 2.5% का हमें मिलेगा। तो नेट इम्पैक्ट जो है 28% और पहले मेन रेट एंटरटेनमेंट टैक्स का 15% था, अब 28 होने से और 2-3% आप इनपुट क्रेडिट भी माइनस कर दें तो नेट इम्पैक्ट 10% बढ़ोतरी होती है। और इंडस्ट्री का जो मार्जिन है केवल 7 से 8% है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो ये 10% यदि पूरा बढ़ के देना पड़ा तो इंडस्ट्री फ्रॉम प्रॉफिट वेफर थिन मार्जिन फ्रॉम प्रॉफिट इट विल गो इनटू लॉस मेकिंग। सर, अगर हम बात करें सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद जो 30% हो गया था, 15% सर्विस टैक्स और 15% दूसरा, तो उसके मुकाबले अभी 28% है, तो कितने मार्जिन आपको लगता है इफेक्ट हो जाएंगे? देखिए, 15% था और अभी प्लस 15% सर्विस टैक्स आ गया। उस समय हमने जोर शोर से टूरिज्म मिनिस्ट्री के थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन दी थी, उस समय हमें उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा था और समझ के उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि जीएसटी के समय हम इसका ध्यान रखेंगे, 1-2 साल की दिक्कत है, आप संभालिए। 2 साल से हमने इसको बर्दाश्त भी किया है और मार्जिन तो ऑलरेडी डिप हो चुके हैं कंज्यूमर से। दूसरी तरफ कंज्यूमर से आप 1 पैसा बढ़ा के ले नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी जो जिसको बोलते हैं मार्केटिंग की टर्म्स में, वो बिल्कुल नील है आज के समय। आज मैक्सिमम रेट पे आप ऑलरेडी चल रहे हैं पिछले 2 साल से, तो कंज्यूमर से आप चार्ज नहीं कर पाएंगे, वो सारा इम्पैक्ट आपका बॉटम लाइन पर आने वाला है।
सर अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी, कौन से ब्रैकेट के अंदर अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री को समझा जाए जिससे इतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा? जी हमारी जो जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट्स को वो ये है कि हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते देखें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि टैक्सेशन में कोई रिजीम ऐसा है नहीं या कैटेगरी है नहीं, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है कि हमें कम से कम आप टूरिज्म सेक्टर से जोड़ के देखें, जहाँ आप 12 से 18% चार्ज करते हैं आप उसका भी हाइस्ट ब्रैकेट हमसे चार्ज करें 18%, तो शायद सर्वाइवल में हमें सहायता मिलेगी। जीएसटी की वजह से दवाओं की किल्लत नहीं होगी, दवा कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को भरोसा दिलाना शुरू कर दिया है कि जीएसटी की वजह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जीएसटी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को पुराने स्टॉक पर एक्साइज ड्यूटी की पूरी भरपाई नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को डर है कि पुराने स्टॉक पर नुकसान होगा, ऐसे में उनका मार्जिन घट जाएगा। दवा कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच जीएसटी से नुकसान को लेकर सहमति बनती दिख रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स अब जीएसटी के चक्कर में दवाओं के पुराने स्टॉक को कम नहीं करेंगे। ज्यादातर दवा कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को भरोसा दिया है कि जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई होगी। जीएसटी ट्रांजिशन नियमों के तहत जो एक्साइज ड्यूटी नहीं अदा करते उन्हें 40% ही रिफंड मिलेगा। दिक्कत यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स वैट रजिस्ट्रेशन कराते हैं जबकि मैन्युफैक्चरर को एक्साइज रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपको कोई नुकसान हो तो हम आपको, कुछ कंपनियों से ने कहा है कि हम आपको भरपाई करके देंगे उसका, ऐसा कहा है। और हमने गवर्नमेंट को भी कहा है कि जो भी नॉर्म रहेगा रिटर्न का वो उनको पूरा 100% ही देना चाहिए। दरअसल दवाओं के डिस्ट्रीब्यूटर्स जीएसटी की वजह से अतिरिक्त बोझ लेने को तैयार नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फार्मा कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी कि वो जीएसटी से पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ की भरपाई करें, नहीं तो रिटेलर्स केवल उन्हीं दवा कंपनियों से नया स्टॉक लेंगे जो जीएसटी से आने वाला बोझ उठाएंगी। दूसरी मुश्किल ये है कि थोक स्टॉक पर 5% की दर से वैट लगता है जबकि जीएसटी की दर 12% होगी। इससे भी डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान की चिंता है। जो कैलकुलेशन हमने करी है करीबन 7% का लॉस ट्रेड को होगा ये जीएसटी में, तो अगर मैन्युफैक्चरर ये नहीं देंगे तो हमारा जो मार्जिन है आज रिटेल होलसेल का मार्जिन 8%, उसमें अगर 7% का फर्क पड़ेगा तो वो लोग माल नहीं मांगा कि शॉर्टेज होगा। एक्साइज ड्यूटी रिफंड के मामले में सरकार का भी अपना तर्क है। सरकार की दलील है कि एक ही दवा कंपनियों के एक ही कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट टैक्स फ्री जोन में बनते हैं जबकि बाकी पर एक्साइज ड्यूटी लागू होती है। ऐसे में बिना दस्तावेजी सबूत के किस आधार पर टैक्स क्रेडिट दिया जाए? अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। खबर महाराष्ट्र से, जहां पर फल और सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल कर्ज माफी और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। सरकार से बातचीत नाकाम रहने पर किसानों ने सब्जी और दूध को बाजार में नहीं बेचने का फैसला किया है। इस बीच किसानों ने जगह जगह पर हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। किसान स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने, खेती के लिए बगैर ब्याज का कर्ज देने, साथ ही 60 साल के किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू करने और दूध के दाम 50 रुपए से अधिक करने की मांग भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसानों ने सरकार पर गुस्सा उतारना कुछ इस तरह शुरू किया। नासिक, अहमदनगर और येवला में किसानों ने दूध सड़क पर बहा दिया और ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो मुंबई को दूध और सब्जी की सप्लाई नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के और भी कई हिस्सों में किसानों ने मुंबई की ओर जाने वाले सब्जियों के ट्रक रोक दिए। हालांकि हड़ताल का पहला दिन था इसलिए मुंबई की सब्जी मंडियों में ज्यादा किल्लत नहीं दिखाई दी। हड़ताल खिंची तो असर दिखाई दे सकता है। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में हैं। किसानों की ये मांग है कि उन्हें जो है उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, कर्ज माफी हो। आप देख सकते हैं आज यहाँ जो है सब्जियां आई हुई है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि आज जो है हड़ताल की गई है, तो ऐसे में इसका कल जो है वो असर देखने को मिलेगा। किसानों की बुधवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। महाराष्ट्र के किसानों की मुख्य मांग कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर है। किसान खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने और पेंशन, सिंचाई सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार दूध खरीद की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर तय करे। किसान क्रांति जन आंदोलन कमेटी का दावा है कि हड़ताल में महाराष्ट्र के 80% किसान शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की मई में बिक्री करीब 9% बढ़ी है। मई में कंपनी ने 6,33,000 गाड़ियां बेची हैं
और इसी महीने पिछले साल कंपनी ने 5,83,000 गाड़ियां बेची थी। हीरो मोटो के बांग्लादेश प्लांट से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। हीरो मोटो के बांग्लादेश प्लांट की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1.5 लाख यूनिट्स है। साथ ही कंपनी ने नई लॉन्च के साथ ग्रोथ को बरकरार रखने की उम्मीद जताई है। स्नैपचैट स्नैपडील के बाद अब मेक माय ट्रिप का नंबर। साथ ही सलमान भाई इज ब्रेकिंग द इंटरनेट। इसके अलावा और क्या रहा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग, देखिए। बी फेस्ट का बवाल अब मेक माई ट्रिप के दरवाजे तक पहुंच गया है। दरअसल मेक माई ट्रिप के को-फाउंडर केयूर जोशी ने बीफ बैन को गलत बताया। ये ट्वीट जंगल में आग की तरह फैला और ट्रोलर्स ने जोशी के ट्वीट के बाद मेक माई ट्रिप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जोशी जी को लोगों से माफी मांगनी पड़ी और अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि मैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर अपना निर्णय जल्द लूंगा। ट्रंप के ट्वीट ने पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया। लोगों ने ट्रंप से पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ नहीं करने की अपील की। वहीं टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने ट्रंप को धमकी दे डाली कि अगर वो ऐसा करते हैं तो मस्क ट्रंप के एडवाइजरी काउंसिल से इस्तीफा दे देंगे। #UPSCtoppers कल से ही ट्रेंड कर रहा है। इस बार के नतीजों में भी लड़कियों ने बाजी मारी। ट्विटर यूजर्स ने लड़कों की जमकर खिंचाई की। हालांकि रविंद्र जडेजा के पैरोडी अकाउंट का ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल रहा। सलमान खान के फैंस आज ट्यूबलाइट मंथ मना रहे हैं। वहीं आज सलमान खान का एक वीडियो इंटरनेट को ब्रेक कर रहा है। लोग इसे एडिबल जीन्स कह रहे हैं, जहां भाईजान अपनी जीन्स को ही चबाते नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए इजी बिजनेस।